मॉर्निंग आपके लिए गुड मॉर्निंग है। जी हाँ, मैं वैसे भी व्लॉग्स मॉर्निंग में ही पब्लिश करती हूँ। तो आज है गुरुवार और धूप देखिए, सुबह के 7:45 बजे इतनी तेज धूप, बारिश कहाँ गई। तो ये जो मेरा लकी ट्री है जो बहुत पुराना है, ये देखिए पता नहीं कैसे टेढ़ा जा रहा है। ये इस तरफ क्यों जा रहा है मुझे अभी तक नहीं समझा, पर इसने सोच लिया है कि ये टेढ़ा इस तरह से जाएगा। तो सुबह 7:45 बजे मैं जाती हूँ अनिका को स्कूल छोड़ने, और मेरे साथ राज भी जाते हैं, और बस अपने शूज पहनने जा रही हूँ क्योंकि धूप है। तो सोच रही हूँ वॉक भी करके आऊँगी, और राज भी यही करेंगे कि वॉक करके आएंगे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि अनिका स्कूल जाने के बाद में क्या क्या करती हूँ। आज जो है आसमान एकदम क्लियर लग रहा है, बारिश के चांसेस बिल्कुल कम लग रहे हैं। तो बारिश के मौसम में जब बारिश नहीं होती ना तब मुझे परेशानी होती है, और ज़्यादा बारिश होती है ना तभी भी मुझे परेशानी होती है। लाइक ये इंसान की फितरत होती है कि होए तो प्रॉब्लम, ना होए तो प्रॉब्लम। तो गाड़ी पार्क, और अब हम जाएंगे यहाँ से वॉक के लिए। अनिका को हमने छोड़ दिया है, और यार आजकल के स्कूल बैग ना बहुत हेवी होते हैं, बच्चों को देखकर इतनी हेवी बैग के साथ ना बहुत दया आ जाती है। और गवर्नमेंट ने भी बोला है कि इतने क्लास के बच्चों के लिए इतने से ज़्यादा हेवी बैग नहीं होना चाहिए, पर ज़्यादा कोई स्कूल को फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने चीज़ें देखी है, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट लाते हैं, एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पर ज़्यादा स्कूल को फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सब प्लानिंग करते हैं। गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो ही नहीं किया जाता, और आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप वहीं पर पढ़ाओगे, पंगे लोगे नहीं क्योंकि आपका बच्चा उस क्लास में है, स्कूल में है। तो चीज़ें कुछ कुछ बहुत डिफ़िकल्ट है जिनके साथ आपको मैनेज करना पड़ता है। क्या कर सकते, चलिए रोड क्रॉस कर लें। वॉकिंग डन डना डन, और थोड़ा सा स्वेट आप देख सकते हैं, ये बहुत कम वॉक करने पर इतना स्वेट आ गया। मैं 4-5 किलो में चल लूँ ना तो नहा कर भी हो जाएगा मेरा, पर उतना मैं नहाना नहीं चाहती। क्या बोलते हो, मैंने सीरी से पूछा आज वेदर कैसा रहेगा, सीरी ने बोला सिर्फ धूप 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 धूप। मैंने ला ओके, मैं समझ गई कि मैं जादू हूँ और आज सिर्फ धूप रहेगी। मैंने राज को शॉक आ गया मेरा जोक सुनकर। ने पूजा चल गई, चली थी उनका उठाने के लिए, उसको लगा कि अच्छा पूजा उठाने गई थी वहाँ पर। पसीना पसीना पसीना, चलो कपड़ा वपड़ा ना ही लेती हूँ, बेस्ट रहेगा। चलो सीरी से तो पूछ लूँ मैं कितना चली फिरी हूँ। हे सीरी, हाउ मच आई वॉक टुडे? ओके, 2.18 किलोमीटर। Cool. और वो भी सुबह, मैंने वो नहीं पहना था, वॉच नहीं पहना था। कल मैं कितना चली थी पुष्टि। हे सीरी, हाउ मच आई वॉक यस्टरडे?
4 किलोमीटर? नहीं, कल तो बहुत कम था, 2.18 किलोमीटर। कल तो पूरे दिन मैंने पहना था। हाँ, आज बल्कि मैं अच्छा चल रही हूँ, मतलब सुबह 8:30 बजे तक मैं ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर चल चुकी हूँ। देखा मेरे घर के फ्लास्क को, खुशी हुई, मुझे तो बड़ी खुशी होती है इन्हें देखकर। और ये तरबूज के प्लांट ने अपनी जो पोजीशन है वो बदल ली है, पहले सीधा जा रहा था, अभी ऐसे जा रहा है। तो ये जो ब्रेकफास्ट है ये अम्मा पूजा दोनों के लिए बना है, हम लोग ये नहीं खाते हैं तो इसे साइड में कर लो। तो देखा मिस्टर राज मुझे कैसे हेल्प करते सुबह के टाइम, बस जैसा उन्हें लेटना है सोना है, गैस ज्यादा है पूजा वैसा करते। गैस ज्यादा है? हाँ मैंने किया, फूल है वो। हाँ तूने किया पर फूल है वो, ज़्यादा हो जाए थोड़ा कम कर, नहीं तो वो सब्जी पकेगी नहीं उससे पहले गलने लगेगी। वही हुआ देख, तो बन रही है भिंडी ये देखिए। तो सुबह के टाइम जितना जल्दी सारी चीज़ें हो सकती है हम लोग कर लेते हैं। मैं और राज जो है ब्रेकफास्ट करने के रह गए हैं। तूने किया ब्रेकफास्ट पूजा? कर लेना, अम्मा का हो गया है, अम्मा को हम लोग एकदम टाइम टू टाइम देते हैं, हम लोग का आगे पीछे चल जाता है। तो सुबह के टाइम ऐसे ही होता है हमारा, क्योंकि यूट्यूबर लाइफ सारी चीज़ें पब्लिश करना रहता है, सारी चीज़ें चेक करना रहता है। और मैं कभी सुबह सुबह अपने मोबाइल को हाथ नहीं लगाती हूँ, मैं हाथ लगाती हूँ जब एक बार मैं अनिका को छोड़कर वॉक कर आ जाऊँ तब। उससे पहले मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं मोबाइल चेक करूँ एंड ऑल। फिर उसी के बाद मेनली हम 1-1.5 घंटा वहीं पर टाइम स्पेंड कर देते हैं, उस चक्कर में हमारा ब्रेकफास्ट भी लेट हो जाता है। तो अभी मेरे और राज के लिए, मेरा तो ओट्स बन गया है क्योंकि अम्मा के ओट्स के साथ मेरा भी ओट्स बन गया था, मैं राज के लिए बना रही हूँ अभी। ये है राज के लिए और ये है मेरे लिए। ठीक है, कल चलेंगे एक्सिस बैंक, SBI भी, ऑनलाइन चलेंगे, SBI भी चलेंगे, ऑनलाइन नहीं चलना, मैं FD नहीं बना पा रहा हूँ ना। ओके, तो नहाने के बाद डिस्कशन चलते रहता है राज के साथ, मेरा और मेरा राज के साथ। तो बस अभी मैं तैयार हो जाऊंगी अपनी शूट के लिए, आज का शेड्यूल मुझे राज ने बता दिया है मुझे क्या करना है, तो तैयार तो होना ही है। तो बस अभी सबसे पहले मैं तैयार हो जाऊंगी और फिर मेरे जो भी शेड्यूल में वीडियो शूट्स हैं उन्हें शूट कर लूंगी। तो चलिए हो जाते हैं। यहाँ पर मैं एल्प्स गुडनेस का जेल जो है ऑरेंज वाला, उसे एज अ प्राइमर और मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये रिच इन विटामिन सी है और पोर्स को रिफाइन करता है, कंट्रोल करता है स्किन को सनबर्न से, और मॉइस्चराइजिंग है, इजीली एब्सॉर्ब हो जाता है, ऑयल कंट्रोल करता है, एंटी एक्ने है, हाइड्रेटिंग है, इसकी पैकेजिंग अच्छी है, लाइट वेट है, टैन रिमूवल है, डीप पोर क्लिंजिंग है, और हीलिंग है, कामिंग है, जेंटल है, स्किन पर सूदिंग है, एंटी एजिंग है, स्किन फॉर्मिंग है, स्किन लाइट
वाइटनिंग है, स्किन ब्राइटनिंग है और ब्लैक हेड रिमूवल भी है और सबसे अच्छी बात क्रुएल्टी फ्री भी है। उसके बाद यहाँ पर मैं स्टे क्वर्की का लॉन्ग वेयर लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और ये जो फाउंडेशन है ये काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग, मॉइस्चराइजिंग, नॉन ड्राइंग, नॉन मैटिफाइंग है, हाई कलर पे ऑफ देता है और इसका शेड काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, कंसिस्टेंट टेक्सचर है, फेड प्रूफ है और क्रुएल्टी फ्री, सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री और टॉक्सिसिटी फ्री है। मैट फिनिश देता है, इसमें आलमंड ऑयल और जोजोबा ऑयल भी है। सो ये फाउंडेशन मुझे यूज़ करना अच्छा लगता है। उसके बाद मैं एले गर्ल का प्रो कंसीलर HD हाई डेफिनेशन यूज़ कर रही हूँ, ये है शेड न्यूड, ये बहुत अच्छी एप्लीकेटर के साथ आता है और हाई कवरेज देता है। उसके बाद यहाँ पर मैं आई एम्स्टरडैम का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ जो कि SPF 50 के साथ आता है। ये इंडियन स्किन टोन के लिए परफेक्ट है और हर स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है। ये पूरे दिन तक आपके स्किन पर टिका रहता है और प्रोवाइड करता है आपको मैट फिनिश, पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है। SPF वाला ये कॉम्पैक्ट है जो कि स्मूथ टेक्सचर में है, इजी एप्लीकेशन के साथ है। उसके बाद मैं यहाँ पर मोडा आई शेडो में से ब्राउन मैट आई शेडो की मदद से अपने आईब्रोज को फिलअप कर रही हूँ और इसके बाद यहाँ पर एले गर्ल का आई लक्स वाला ये जो आई शेडो पैलेट है, इसका नाम है आइडोलाइज, ये वाला मैं अपने आंखों के लिए यूज़ कर रही हूँ। उसमें टोटल 4 शेड है, एक लाइट है, थोड़ा सा डार्क और फिर 2 डार्कर शेड्स है और इसकी मदद से आप बहुत ही अच्छा सा एक ब्राउन स्मोकी आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने रिसेंटली ट्राई किया ये एले गर्ल का ग्लाइड जेल लाइनर और ये क्रुएल्टी फ्री है और मैं आपको बता दूँ ये जेल आई लाइनर इन पेंसिल फॉर्म है और काफ़ी मतलब पिगमेंटेड है और काफ़ी अच्छा एक लुक देता है आँखों पर। उसके बाद मैंने मोडा का ये जो मस्कारा है इसे इस्तेमाल किया है, ये इंस्टेंटली लैशेस को भरा हुआ लुक देता है, ऊपर और नीचे के लैशेस को मैंने इसे लगाया है और अपने चिक्स के लिए मैंने पलाडियो का आई एम ब्लशिंग 2-in-1 चिक एंड लिप टिंट लगाया है। ये जो शेड है ये है डार्लिंग, ये इंडियन स्किन टोन के लिए काफ़ी अच्छा है और आप इसे बोल सकते हैं कि ये स्टिक फॉर्म वाला ब्लश है। उसके बाद मैंने स्टिक फॉर्म वाला हाइलाइटर भी लगाया है जो कि वेट एंड वाइल्ड मेगालो का है, ड्यूअल एंडेड कॉन्टर स्टिक है, एक तरह कॉन्टर है और एक तरफ इसका हाइलाइटर है और ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड और हाइलाइटर बहुत नेचुरल और बहुत अच्छा दिखता है स्किन पर। उसके बाद मैंने डार्लिंग इसाबेला का ये जो शेड नंबर 4 है ये लिप शेड लगाया है, ये लिप शेड काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग, नरिशिंग, नॉन ड्राइंग और ट्रांसफ़र रेजिस्टेंट है, कॉम्पैक्ट पैकेजिंग है, स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग है, हाई कलर पे ऑफ है, कंसिस्टेंट शेड है, लॉन्ग लास्टिंग है, एकदम मस्त मैट फिनिश आपके लिप्स पर आता है, क्रुएल्टी फ्री है, पैराबिन फ्री है, इसके अंदर है कैंडेलिया वैक्स, आलमंड ऑयल और कैस्टर ऑयल। सो ओवरऑल ये जो लिपस्टिक है बहुत बजट में और बेस्ट है मुझे ऐसी लगती है। तो जितने भी प्रोडक्ट आज मैंने इस्तेमाल किए उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल मिल जाएगी, चेक ज़रूर करिएगा, आई एम श्योर आपका अच्छा खासा फ़ायदा होगा क्योंकि हर एक चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ सेल पर ही मिलेगी। सो मैं हो चुकी हूँ तैयार, आप देख सकते हैं आज जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं उनकी जो लिंक है विद सम डिस्काउंट वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो किसी भी मेकअप प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले सेल चेक करिए और फिर खरीदिए क्योंकि आपका फ़ायदा होगा, पैसे बचेंगे, आप और खुश होंगे, राइट। सो ये मैंने आज थोड़ा सा ब्लैक स्मोकी आई किया है, बहुत सॉफ्ट स्मोकी आई किया है, बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं किया है और इस तरह से बाल अभी सेट नहीं किए हैं मैंने और यहाँ पर मेरा जो ये है स्ट्रेटनर कर्लर ये रखा है पर मैं इसे लगाना भूल गई, इसे गर्म होने में लगभग 2-3 मिनट लगते हैं तो बस मैं अगर उतना टाइम दे दूँ तो हो ही जाएंगे मेरे बाल भी सेट। तो जो चीज़ें मैं बास्केट में लेकर बैठती हूँ अपनी मेकअप वाली वो मुझे वापस लगा देनी होती है जिससे फिर ज़्यादा मैसी ना हो, राइट। और मेरी जो स्क्रिप्ट है वो बेड पर पड़ी हुई है, वो स्क्रिप्ट मैं बना लेती हूँ जिससे मैं एक भी पॉइंट मिस ना करूँ जब मैं वीडियो बनाती हूँ क्योंकि हर एक पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स को हर एक चीज़ की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, उन्हें वापस मुझे पूछना ना पड़े कि ये कैसे वो कैसे, इसलिए मैं हमेशा स्क्रिप्ट बना लेती हूँ और फिर किसी भी वीडियो को बनाती हूँ क्योंकि प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप बैठो कैमरा के सामने और सीधा बोल दो तो ज़रूरी नहीं कि आपने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, फिर बाद में आप सोचो कि यार ये पॉइंट कवर नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से मेरा ये रूटीन रहता है। अब मैं आपको कुछ घंटों के बाद मिलूँगी, अब मुझे
दो इम्पॉर्टेंट वीडियो शूट करने हैं तो मैं व्लॉग नहीं कर पाऊँगी। आई रियली होप आप समझ सक रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, राइट? क्योंकि मेरा ये जो लाइफ है, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों को बैलेंस करते हुए मुझे करना पड़ता है, क्योंकि सारा काम मैं मोस्ट ऑफ द टाइम घर से ही करती हूँ। और आज ऑफिस जाना था बट इम्पॉसिबल है मेरे लिए जाना, क्योंकि थोड़ा सा मेरा शेड्यूल टाइट है एज यूजल, तो मैं नहीं जा पाऊँगी ऐसा मुझे लग रहा है। बट बगल में है तो अगर हो गया तो चली भी जाऊँगी, जो भी आपको तो बताती ही रहूँगी। तो शूटिंग मेरी हो चुकी है, कैमरा फोकस में, कहाँ पर फोकस करता है पता नहीं। और लंच रेडी है और राज और अम्मा तो ऑलरेडी लंच कर रहे हैं, मैं भी बैठ रही हूँ लंच के लिए। और लंच में क्या बना है, भिंडी, प्याज का रायता और बाकी सैलेड और रोटी दाल चावल, बेसिक बेसिक मिक्स दाल नहीं है, ये मिक्स वो है टोमेटो फ्राई। सो अम्मा ऑलरेडी खा रही है, अम्मा देख रही है कि मैं कैसे दिख रही हूँ। चलिए मैं लंच कर लेती हूँ। लंच करने के बाद क्विकली जा रही हूँ ऑफिस, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट्स है ऑफिस में कुछ डिस्कस करने के लिए अपनी टीम के साथ। और एक बार अनिका आने के बाद ना मुझे बहुत कम टाइम भी मिलता है, सो मैंने सोचा कि वो चीज़ भी कर लूँ, नहीं तो वो कल होगा, फिर वो काम कल होगा, उससे अच्छा इस 40 मिनट्स में वो सारे काम को मैं ख़त्म करवा सकती हूँ अपनी टीम के साथ। इसलिए अभी भाग कर जा रही हूँ और ये बेनिफिट हुआ है मुझे मेरा ऑफिस बगल में आने की वजह से कि क्विकली मैं जो भी चीज़ें हैं वो कल नहीं आज ही कर सकती। आज आपको सब कुछ मैचिंग मैचिंग दिखेगा, मेरा टॉप, मेरा ये स्लिंग बैग भी काफ़ी मतलब मेरे टॉप से मैचिंग है और मेरा छाता भी। और ये मेरा छाता 8 साल पुराना है पर मेरा फेवरेट है, वो क्यों पता है कभी फुर्सत में बताऊंगी, पर ये 8 साल पुराना छाता है। सो मीटिंग डन डना डन। और ये रिंकुम की आवाज़ सुनकर तो आपको पता चल गया होगा कि राज आ गए हैं ऑफिस में। ओके, सो मेरे पास अभी भी 4 पेंटिंग्स बाकी है, मेरी मीटिंग खत्म हो गई है, मैं फ्री हो गई हूँ। ये टेबल का बहुत इधर उधर कर दिया है और यहाँ पर भी एक स्क्रीन लग गई है, ये CCTV की स्क्रीन है, इसे ऑन करेंगे तो सब दिखेगा। कुछ दिमाग में चल रहा है। चुका है गाड़ी स्टार्ट करके अनिका को लेने जाने का। जी हाँ, हम लोग उसे बाइक पर ही छोड़कर बाइक पर ही लेकर आते हैं और बारिश होती है तो कार लेकर जाते हैं। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ स्कूल से, यिप्पी! मैं ऐसे ही आती हूँ अनिका को लेकर, क्योंकि बैग इतनी भारी होती है, एक साइड टांगूंगी तो दुखेगा उसे, अच्छा ऐसे टांगी। क्या, अच्छा अपने फ्रेंड का नंबर ऐड किया जा रहा है। तो अनिका जो है वो अपनी फ्रेंड का नंबर लेकर आई है, उसे ऐड कर रही है और उसे मैंने शूट कर लिया। तो मम्मी क्यों किया, चलो बच्चे हैं। ओके, एक क्वेश्चन मुझे रहता है कि अनिका के कोई फ्रेंड्स नहीं है या अनिका खेलने नहीं जाती है, उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई टोटली अग्री कि आपकी बात सही है, पर अब मैं क्या बताऊँ, जहाँ पर मैं रहती हूँ ये जो बिल्डिंग है ना, ये सिर्फ 2 टावर की बिल्डिंग है, उसमें भी आधे घर खाली है, उसमें भी मैं हर किसी को नहीं जानती हूँ। और एक छोटी सी मतलब गली है हमारी, आपने देखी होगी, उस गली में गाड़ियाँ आती जाती है, मतलब इसी बिल्डिंग की, जो शाम के समय पर जो ऑफिस से आते हैं उनकी गाड़ियाँ आती जाती है। अब मैं ऐसी जगह पर अनिका को कैसे खेलने दूँ, लाइक कैसे हो पाएगा? और जो बच्चे हैं या तो बहुत बड़े हैं या तो बहुत छोटे हैं, उसके एज के नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। गार्डन जाने के लिए अभी मौसम बहुत ख़राब है, पहले गर्मी थी, गर्मी शाम को यहाँ पर पता है आपको 7, 7:30, 8 बजे तक दिन ढलता है, इतनी गर्मी में मैं अनिका को कैसे लेकर जाऊँ? अब बारिश चालू हो गई है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि बारिश का भी कोई वो नहीं रहता है। फिर रहता है कि अनिका के कोई फ्रेंड्स नहीं है जो घर आते हैं। अब मैं आपको बता दूँ,
मुझे हर जगह का नहीं पता, पर मेरे यहाँ का मैं बता रही हूँ, सो प्लीज़ डोंट जज। यहाँ पर कैसे है ना कि बच्चे छूट जाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं, ठीक है, कोई ऐसे मतलब वो नहीं करता कि आप घर आओ या हम आपके घर आएंगे, ये सारा कल्चर नहीं है। मैं मुंबई में रहती हूँ और मुंबई में नहीं है ये सारा कल्चर। हो सकता है आप जिस सोसाइटी में रहते हैं मुंबई में, वो सोसाइटी काफ़ी बड़ी हो या काफ़ी फ्रेंडली हो, पर मेरी सोसाइटी बहुत डिफरेंट है। लिमिटेड घर है यहाँ पर इस सोसाइटी में, लिमिटेड लोग रहते हैं। मेरी पूरी सोसाइटी में मैं आपको बता दूँ मुश्किल से 30 या 40 फैमिलीज़ होंगी, उसमें से भी आधे लोग नहीं रहते हैं। एक फ्लोर पर सिर्फ 2 हाउस है, तो छोटी सी बिल्डिंग है, छोटी सी सोसाइटी है, तो इसलिए मैं कैसे सारी चीज़ें करूं बताइए। मुझे भी लगता है कि अनिका खेले कूदे राइट, पर क्या कर सकती हूँ। अनिका को मैं अगर अकेले भेजती हूँ खेलने, वो सेफ़ बिल्कुल नहीं है, मैं उसे अकेले भेज ही नहीं सकती। तो आजकल का जो एक मतलब सबका सिस्टम बन गया है, उसकी वजह से जी हाँ बच्चे पर असर आ रहा है, पर हम हमारी तरफ से कोशिश करते हैं कि उसे बाहर लेकर जाए, घुमाए फिराए, और जैसे ही हमें मौका मिलता है हम उसे गार्डन लेकर जाते हैं और जहाँ पॉसिबल है वहाँ पर लेकर जाते हैं। भैया बता रहे थे कि ना शरबत कम हो जाती है, वो इतने बड़ा ग्लास में देती है। भैया क्या बहुत लग रहे कल से ऐसा पूरा भर कर दिया करना कि चाय चाय होना चाहिए। भैया फिर कभी बोले ही ना कि चाय कम पड़ जाती, ये भी उनको कम पड़ जाती, ऊपर से आने के बाद भी चाय पी रहे हैं, मतलब कितना चाय पियेंगे। सो मैं जा रही हूँ ऑफिस और चाय साथ में लेकर जा रही हूँ। अनिका अपनी तैयार वगैरह हो गई है, फ्री हो गई है, थोड़े घंटों में उसकी मैम आ जाएगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ, ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ये था मेरा सुबह से लेकर ऑलमोस्ट 4:30 बजे तक का रूटीन, यही डेली होता है। कल थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि कल बैंक वगैरह जाना है, तो कल थोड़ा सा अलग रूटीन होगा, पर आज तो यही रूटीन था। ठीक है, चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।